हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्लास 9th के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो हो तो दिखाइए कि x की 3 प्लस वाई की 3 जमा जेड की 3 इज इक्वल टू 3xyz होगा। अब क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये गिवन हमारे पास और ये हमने प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ से अगर हम इसको स्टार्ट करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये प्लस जेड है, दूसरी साइड में अगर ले जाएंगे तो माइनस जेड हो जाएगा। और अब दोनों तरफ घन करें, दोनों तरफ घन करने पर x प्लस वाई का घन हो गया इधर, और इस साइड में हो गया माइनस जेड का घन क्यूब। तो x प्लस वाई का जो घन है ये एक आइडेंटिटी है स्वयं में, इसकी आइडेंटिटी लिख दें हम, x की 3 प्लस वाई की 3, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इधर है माइनस जेड की 3 हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई ये ब्रैकेट के अंदर है, जो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ माइनस जेड है, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड है। तो इस x प्लस वाई को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह माइनस जेड लिख देंगे। x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस एक्स वाई इंटू माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड की 3। अब ये हो जाएगा x की 3 प्लस वाई की 3, इन दोनों की इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस जेड की 3। हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है, x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3, इस जेड की 3 होगा अगर इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा, और इसको अगर उधर ले जाएं ये भी प्लस हो जाएगा। तो x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 ये लिखिए हम, इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इसको इस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यही हमने प्रूव करना है। तो हम लिख सकते हैं प्रूव या सिद्ध हुआ। तो ये क्वेश्चन था हमारा 13। अब क्वेश्चन 14 के यहाँ 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में इनका मान ज्ञात करना है, और ऊपर ये भी लिख दिया गया है कि घनों का परिकलन किए बिना, यानी कि -12 का घन है ये नहीं करना हमने, -12 का घन, 7 का घन नहीं करना, 5 का घन नहीं करना, बिना घन किए, यानी कि घनों का परिकलन किए बिना इनका मान निकालना है। तो ये देखिए कैसे निकालें। हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी क्या है, वो ये है, जिस तरह से ये 3 टर्म है हमने मान लिया, माना a की वैल्यू ये है -12, b की वैल्यू ये 7 है, और c की वैल्यू 5 है। और आइडेंटिटी हमारे पास ये है, यदि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 इज इक्वल टू 3abc होता है। ये एक आइडेंटिटी है। और यहाँ देखिए a की वैल्यू -12 है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू -12 है, प्लस b की वैल्यू 7 है, और प्लस c की वैल्यू 5 है। अब ये -12 और ये +12 तो क्या हो गया 0। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, अगर ये 0 हो तो ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 इज इक्वल टू 3abc होगा। यानी कि जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 0 का पता लग गया तो हम कह सकते हैं कि -12 की 3 ये तो a है और प्लस ये b है 7 की 3 और ये c है 5 की 3। इनकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब ये है a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 इज इक्वल टू क्या होगा 3abc होगा। 3 into a यानी कि -12 b 7 और c 5 ये होगा 3abc। इनकी दो वैल्यू हमने निकालनी है तो इस राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की तो वैल्यू निकालनी है माइनस क्योंकि ये माइनस है 12 या 36 और 36 5 180 और 180 गुणा में 7 हम गुणा करके देख सकते हैं। 180 गुणा में 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 गुणा में 7 700 और 7 8 56 और 7 में 7 और 5 12 1260 आएगा और 1260 माइनस में आएगा -1260। तो इसकी वैल्यू -1260 है यानी कि -12 का क्यूब जमा 7 का क्यूब और जमा 5 का क्यूब अगर हम सोल्व करें तो उसकी वैल्यू -1260 आएगी। इसी प्रकार का ये इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी abc इनको मानेंगे माना a इज इक्वल टू 28 बी इज इक्वल टू -15 और c इज इक्वल टू -13। और यदि हम abc की वैल्यू निकालें a प्लस बी प्लस सी तो a तो 28 है b -15 है और c -13 है और ये देखेंगे हम ये 0 आ जाएगा क्योंकि -15 -13 -28 और +28 0 आ गया। जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 आती है तो हम लिख सकते हैं a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 इज इक्वल टू होगा 3abc। अब abc की वैल्यू भर दें हम। a की वैल्यू क्या है 28 का क्यूब, b की वैल्यू क्या है -15 का क्यूब और -13 का क्यूब। इसकी वैल्यू निकालनी है abc और 3abc है 3 into a यही 28 into b -15 और गुणा -13 क्योंकि c भी माइनस है ये याद रखें c की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू तो हमने निकालनी है 28 का घन प्लस -15 का घन और प्लस -13 का घन। ये तो हम इसी प्रकार से लिख लेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ दो माइनस हैं -15 और -13 तो गुणा करें तो प्लस हो जाएगा। अब हम गुणा किसकी करें 13 15 28 3 28 या 84 और 15 की 13 गुणा कर लें हम 15 या 45 15 एकम 15 और 4 19। अब इन दोनों की गुणा कर लें 4 5 20 और 4 में 36 और 2 38 3 4 में 4 3 7 8 5 40 8 में 72 और 4 76 7 8 में 8 7 15 और इसमें 0 8 7 और 13 5 और 1 6 ये आ गया 16,380। तो ये इसकी वैल्यू आ गई जो हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी और हमने कहीं भी इनका घन नहीं किया और वैल्यू भी निकाल ली। इस प्रकार से हम इस आइडेंटिटी की मदद से हम वैल्यू निकाल सकते हैं और इस क्वेश्चन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू।